तो युद्ध के डेढ़ साल के काल में यूक्रेन रूस पर लॉन्ग रेंज अटैक नहीं कर पाया, लेकिन 30 अगस्त को यूक्रेन की मिसाइल फोर्सेस ने दावा किया कि क्रीमिया पर 700 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से हमला किया गया है। तो क्या सच में यूक्रेन ने कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल विकसित कर ली है? जंग शुरू होने के बाद तक भी यूक्रेन के पास कोई लॉन्ग रेंज गाइडेड वेपन सिस्टम नहीं था, फिर अचानक ये लॉन्ग रेंज मिसाइल कहां से आई? क्या यूक्रेन और नेटो के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है? क्या यूक्रेन की किसी मिसाइल को अमेरिकी डिफेंस डेवलपर ने अपग्रेड किया है, या फिर किसी नेटो देश की मिसाइल यूक्रेन को दी गई है? आखिर माजरा क्या है? युद्ध में बीते 50 घंटे इस बात के साक्षी हैं कि यूक्रेन का पलड़ा इस बार रूस से बहुत भारी है। स्कोप से लेकर मॉस्को और क्रीमिया तक यूक्रेन की बारूदी बरसात से रूसी धरती धधक रही है। जो यूक्रेन बीते डेढ़ साल में ड्रोन हमले भी कामयाबी से नहीं कर पा रहा था, उसने बीते 50 घंटे में युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है। यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव को दो फ्रंट पर बांट दिया है। पहला फ्रंट है इन्फेंट्री और दूसरा फ्रंट है मिसाइल हमले। पहले फ्रंट पर यूक्रेन के जवान ईस्टर्न यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जंग लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ईस्टर्न फ्रंट लाइन से बहुत दूर तैनात किए गए मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। इनका टारगेट क्रीमिया और स्कोव में रूस के सैन्य ठिकाने हैं। यूक्रेन अब तक रूस को ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ने से रोक रहा था, लेकिन अब उसका मिशन है रूस के सबसे अहम सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करना। यूक्रेन को इस मिशन के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलों की जरूरत है जो उसके पास नहीं है। यूक्रेन के पास इस वक्त दो ही मिसाइलें हैं, पहली है रिम 2 और दूसरी मिसाइल है नेपच्यून। रिम 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। रिम 2 की रेंज 300 किलोमीटर है और नेपच्यून मिसाइल की रेंज है करीब 400 किलोमीटर। यानी दुनिया की जानकारी में यूक्रेन के पास जो मिसाइलें हैं वो 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर हमला नहीं कर सकती। लेकिन 31 अगस्त की शाम देश के नाम ज़ेलेंस्की ने जो संबोधन जारी किया वो सुनिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके नए हथियारों की रेंज 700 किलोमीटर है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने जो कहा उससे भी ज्यादा बड़ी बात कही है यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव एलेक्सी दानिलोव ने। यूक्रेन के नए हथियारों का सफल परीक्षण हो चुका है, अब यूक्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी से भी लंबा हमला कर सकता है। दानिलोव ज़ेलेंस्की के बयान से भी ज्यादा रेंज के हथियारों की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में यूक्रेन ने इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली कोई मिसाइल बना ली है? अगर बना ली है तो यूक्रेन ने नई मिसाइल का नाम क्यों नहीं बताया? या यूक्रेन और अमेरिका के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है? या अमेरिका ने यूक्रेन के पुराने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया है? या फिर अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी हैं? रूस की तरफ से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन और नेटो के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है और नेटो देशों की किसी मिसाइल का रूप बदलकर यूक्रेन को सप्लाई की जा रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। और देखिए, नेटो सदस्य दो देशों के पास कई लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है। अमेरिका के पास पहली लॉन्ग रेंज मिसाइल है जैसम, जैसम एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, यानी हवा से फायर की जाती है। इसकी रेंज यानी हमला करने की क्षमता 1000 किलोमीटर तक है। दूसरी मिसाइल है AGM-86। AGM-86 भी हवा से ही टारगेट पर दागी जाती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर तक है। अमेरिका के पास तीसरी मिसाइल है टॉम हॉक क्रूज मिसाइल। टॉम हॉक एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को समंदर और जमीन से फायर किया जाता है। इसकी रेंज भी 2500 किलोमीटर है। लॉन्ग रेंज मिसाइलों वाला नेटो का दूसरा सदस्य देश है फ्रांस। फ्रांस के पास स्कैल्प नेवल मिसाइल सिस्टम है। इसको जहाज से फायर किया जाता है। इसकी रेंज 1000 से 1400 किलोमीटर तक है। फ्रांस के पास दूसरी मिसाइल है M-51। इस मिसाइल से सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है इस मिसाइल पर, यानी पनडुब्बी से फायर की जा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर तक है। रूस के कयास हैं कि यूक्रेन के मित्र देशों ने उसको कोई ऐसी मिसाइल दी है जिससे वो लंबी दूरी तक बड़े हमले कर रहा है। यूक्रेन अभी बाल्टिक देशों से सटे रूस के सीमाई शहरों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन मॉस्को तक हमले कर रहा है,
लेकिन अब यूक्रेन का दावा है कि उसकी रेंज उन रूसी क्षेत्रों तक हो गई है जो प्रशांत महासागर से सटे हुए हैं। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव दानिलोव ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि स्कोप जल रहा है, क्रीमिया में कब्जाधारी रूस पर हमले हो रहे हैं, सेवस्तोपोल की बारी नजदीक है, सेंट पीटर्सबर्ग भी जरूर दहलेगा, नंबर कामचटका का भी आएगा। दानिलोव के बयान के आधार पर दूरी मापी जाए तो ये कयास ज्यादा मजबूत लगते हैं कि अमेरिका ने या तो यूक्रेन की किसी मिसाइल को अपग्रेड करके लॉन्ग रेंज बना दिया है या फिर उसे नाम बदल कर कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दी गई। दानिलोव ने जिन जगहों के बारे में दावा किया उनकी दूरी यूक्रेन प्रशासित शहर से नापी जाए तो हैरानी होगी। ज़ेपोरिज़िया से सेवस्तोपोल की दूरी 570 किलोमीटर है, ज़ेपोरिज़िया से सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी 1750 किलोमीटर है, ज़ेपोरिज़िया से कामचटका की दूरी 7000 किलोमीटर से ज्यादा है। अब तक ईस्टर्न फ्रंट लाइन के एक शहर को जीतने के लिए कई महीने तक जंग लड़ने वाले यूक्रेन के पास इतनी ताकत अचानक कैसे आई कि वो रूस के उस क्षेत्र को निशाना बनाने का दावा कर रहा है जो जापान के नजदीक प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रूस के कई अहम सैन्य ठिकाने हैं। रूस ने कुरील आइलैंड और कामचटका आइलैंड पर अपनी न्यूक्लियर तैनाती की है। कुरील आइलैंड के नजदीक रूस की सबमरीन तैनात है और साथ ही कामचटका आइलैंड पर स्ट्रैटेजिक मिसाइलें तैनात हैं। रूस इस क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बड़ा खतरा है, तो क्या इस खतरे से निपटने के लिए नेटो ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दी है? और क्या इसी दम पर यूक्रेन कामचटका का सैन्य बेस तबाह करने का दावा कर रहा है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में रूस का पहला टारगेट जापान है। जापान में अमेरिका के 120 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं। रूस का दूसरा सॉफ्ट टारगेट साउथ कोरिया हो सकता है जहां यूएस के 80 से ज्यादा मिलिट्री बेस मौजूद हैं। प्रशांत महासागर के दक्षिणी छोर पर मौजूद फिलीपींस को भी रूस की पैसिफिक फ्लीट टारगेट कर सकती है। इस इलाके में अमेरिका के 8 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं। सबसे अहम है पैसिफिक में मौजूद अमेरिकी मेन लैंड गुआम जहां अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल और एयर बेस है। इसके अलावा 52 छोटे बड़े सैन्य अड्डे हैं। अमेरिकी मेन लैंड हवाई को भी रूसी नौसेना टारगेट कर सकती है क्योंकि हवाई के होनोलुलु में ही अमेरिकी नेवल बेस पर्ल हार्बर है। इसके साथ 143 सैन्य अड्डे हैं। ज़ेलेंस्की और उनके सुरक्षा सचिव का दावा बहुत घातक है। अगर सच में यूक्रेन की रेंज कामचटका तक हो चुकी है तो इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका ने कीव तक 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल सीक्रेट तरीके से पहुंचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9, भारतवर्ष।